हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला पढ़ाई विद गुरुचेला इज द अल्टीमेट हब फॉर ऑल थिंग्स एग्जाम प्रिपरेशन डियर स्टूडेंट्स इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डाइव डीप इन टू यूअर फाइनल अपडेटेड न्यू डेट शीट एंड डिस्कस सम स्ट्रेटजीज टू हेल्प यू प्रिपेयर इफेक्टिवली डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो के माध्यम से आज हम आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों के सिक्स सेमेस्टर के फाइनल अपडेटेड न्यू डेट शीट को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आपके कौन से डे को कौन से सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन होगा एंड उस सब्जेक्ट की आप किस प्रकार से बेहतर तरीके से प्रिपरेशन जो है कर सकते हैं एंड एक अच्छा स्कोर जो है आप अचीव कर सकते हैं सो डियर स्टूडेंट्स आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं डिस्कस करते हैं आप लोगों 6th CBCS की सेमिस्टर सिक्स सी स्टूडेंट्स की फाइनल अपडेटेड न्यू डेट शीट को ये जो वीडियो है ये डी रेगुलर एंड एस स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है सो so, my डियर students, नाउ that वी हैव द डेट शीट लेट्स ब्रेक इट डाउन बाय semester एंड सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट वी विल डिस्कस द एग्जाम डेट्स ड्यूरेशन एंड important डिटेल्स टू कीप इन माइंड So, my dear semester 6th CBCS students, आप लोगों के जो एग्ज़ामेशनस हैं वो ट्वेंटी सेवन्थ ऑफ मे टू के ट्वेंटी फोर्थ स्टार्ट होने जा रहे हैं जहां पर आप लोगों का सबसे पहले एग्ज़ाम जो है रखा गया है आप लोगों के कोर पेपर्स का जहां पर मई सत्ताईस दो हज़ार चौबीस को आप लोगों के कोर पेपर वन मॉडर्न पॉलिटिकल फलासफ़ी का एग्ज़ाम होगा देन उसके बाद आप लोगों का जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन है वो भी आप लोगों के कोर पेपर टू का है जो कि है इंडियन पॉलिटिकल थॉट सेकेंड सो so स्टूडेंट्स अगर हम बात करें आप लोगों के मॉडर्न पॉलिटिकल फिलासफ़ी को लेकर तो यहाँ पर आप लोगों को मेजरली जो फोर यूनिट्स गिवन है वो आप लोगों को बेहतर तरीके से कवर करनी है उन फोर यूनिट्स के अंदर आप लोगों को काफ़ी फिलोसफर्स के थॉट्स को कवर करना है जहाँ पर आपको कवर करना है जीन जैक्यूस रूसो के थॉट को जहाँ पर आपको कवर करना है मेरी वर्ल्ड क्राफ्ट के थॉट्स को जहां पर आपको पढ़ना है जे एस मिल के थाट्स को एंड जहाँ पर आपको कवर करना है हीगल एंड कार्ल मार्क्स जैसे philosophy. सफर्स के को सो so, पर आपको बेहतर तरीके से प्रिपरेशन जो है करनी है अगर आप लोगों को कुछ स्ट्रेटेजी बताई जाए प्रिपरेशन के लिए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी आप लोगों के पेपर हैं उसके पास्ट या क्वेश्चन पेपर्स को आप एक बार जरूर देखें हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर काफी वीडियो जो है अपलोड की हुई हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को लेकर उन सभी का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है आप प्लीज चेक कीजिए एंड जितना ज्यादा हो सके पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एक बार जरूर देखकर जाइए लगभग चार से पांच साल के क्वेश्चन पेपर उठाकर अगर आप उनको सॉल्व कर लेते हैं तो बेहतर तरीके से आप लोग जो है अपना एग्जाम जो है दे पाएंगे अच्छा स्कोर जो है आप लोग कर पाएंगे अगर हम बात करें इसके टाइमिंग की तो इसका जो टाइम है वो 9 ए एम टू ट्वेल्व नून है यानी कि 9 बजे से लेकर बारह बजे तक आप लोगों का मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी जो कि आपका कोर पेपर वन है उसका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा देन नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का एग्जामिनेशन ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ मे टू के ट्वेंटी फोर को यानी कि उनतीस मई दो हज़ार चौबीस को आप लोगों का सेकेंड एग्जामिनेशन होगा जो कि है आप लोगों के कोर पेपर टू का जो कि है इंडियन पॉलिटिकल थॉट सेकेंड अगर हम इसके टाइमिंग की बात करें तो सेम टाइमिंग रखी गई है नाइन ए एम टू ट्वेल नून यानी कि नौ बजे से लेकर बारह बजे तक आप लोगों का एग्जामिनेशन होगा अगर हम बात करें इंडियन पॉलिटिकल थॉट सेकेंड की जिसके अंदर आपको लगभग इलेवन यूनिट्स को कवर कवर करना है जहां पर आपको कवर करना है राजा राम मोहन रॉय के थॉट्स को जहां पर आपको कवर करना है पंडिता रमाबाई के जेंडर के कंसेप्ट को यहाँ पर आपको कवर करना है विवेकानंद का आइडियल सोसाइटी के कंसेप्ट को जहाँ पर आपको कवर करना है गांधी अंबेडकर टैगोर इकबाल सावरकर एंड नेहरू एंड लोहिया इन तमाम पॉलिटिकल फिलोसफर्स के थॉट्स को आप लोगों को यहाँ पर बेहतर तरीके से कवर करना है आप लोगों से अगेन मेरी रिक्वेस्ट है कि पास्ट या क्वेश्चन पेपर्स को जरूर एक बार डिस्कस कर कर जाएँ एक बार बेहतर तरीके से उनको सॉल्व कर कर आप जाएँ द नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव पेपर्स उनका एग्जामिनेशन जो है वो रखा गया है जून थर्ड टू के ट्वेंटी फोर को जहाँ पर आप लोगों का एग्जामिनेशन रखा गया है पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया ये जो पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया आप लोगों का डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव सब्जेक्ट है इसका एग्जामिनेशन रखा गया है तीन जून दो हज़ार चौबीस को इसका टाइमिंग जो है नाइन ए एम टू ट्वेल्व नून रखा गया है इस सब्जेक्ट के अंदर आपको लगभग फ़ाइव मिनिट्स को कवर करना है जहाँ पर आप लोगों को बेहतर तरीके से कंसेप्ट को समझना है जहाँ पर जो एनालिसिस है पॉलिसी इन द कंटेक्सट ऑफ थ्योरीज ऑफ़ स्टेट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ पर पॉलिटिकल इकोनॉमी पॉलिसी आप लोगों को कवर करना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडल्स ऑफ पॉलिसी डिसीजन मेकिंग ये टॉपिक्स आप लोगों पर को आप लोगों को बेहतर तरीके से कवर करने हैं इसके साथ साथ पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आप लोगों को एक बार चेकआउट कर लेना है अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के लास्ट लास्ट एग्जामिनेशन की तो एग्जाम आपका रखा गया है, 5, 2K24, जून फिफ्थ टू के ट्वेंटी फोर वेंसडे को यानी कि पांच जून दो हजार चौबीस को लास्ट एग्जामिनेशन होगा जो है आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक एक्टिव पेपर फोर जो कि है इंडियाज फॉरन पॉलिसी इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड डी एसटूडेंट्स इस पेपर के अंदर आप लोगों को सिक्स यूनिट्स की विन है जहाँ पर शॉर्ट नोट जो हैं पूछे जाते हैं यूरोपियन यूनियन से ब्रिक्स से एस सी ओ से एंड अदर लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं यूनिट्स से पूछे जाते हैं जहाँ पर इंडिया रिलेशन देखे जाते हैं यू एस एंड रसिया के साथ जहाँ पर इंडिया का इंगेजमेंट देखा जाता है चाइना के साथ जहाँ पर देखा जाता है इंडिया को साउथ एशिया के अंदर जहाँ पर हम लिबेटिंग डि, 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 डिबेटिंग रीजनल स्ट्रेटीज़ को देखते हैं और काफ़ी टॉपिक्स आप लोगों को यहाँ पर समझने हैं Again, आप लोगों से रिक्वेस्ट है क्वेश्चन पेपर्स को एक बार चेकआउट जरूर कर लें अगर हम बात करें जो जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके कब डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव पेपर्स होंगे तो आप लोगों के एग्जामिनेशन जो हैं वो सेम डेट जून थर्ड एंड जून फिफ्थ को कंडक्ट कराए जाएंगे जहां पर आप लोगों को लिस्ट जो है गिवन होती है जिसमें आपके सिटीजनशिप इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स इन अ कंपेरेटिव परस्पेक्टिव डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट्स इन कंटेम्प्रेरी इंडिया फेमिनिज्म थ्योरी एंड प्रैक्टिस डायलमाज इन पॉलिटिक्स एंड कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया जो आप लोगों के एग्ज़ामेशनस हैं डिसिप्लिन स्पेसिफिक एक्टिव के वो अल्फ़ाबेटिकली तौर तो पर कंडक्ट होते हैं यानी कि जो भी आपने चूज़ किया है अल्फाबेटिकली आप चेकआउट कर सकते हैं इस लिस्ट में से एंड उसका ही आप लोगों का सबसे पहले एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा So प्रोवाइड करा दिए जाएंगे एंड उसमें से आप लोग जो हैं, से चेकआउट कर पाएंगे आपका कौन सा पेपर किस डेट को है सो डियर स्टूडेंट्स डेट्स ऑल फॉर टूडे आई जस्ट होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी थिंग वेरी If you have any doubts or concerns about the upcoming exams, drop them in the comments below and I will do my best to address them in an upcoming video. So, dear students, thank you for watching this video and be all the best for your examinations.